हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, और इस वेब सीरीज का नाम है नार्कोस। अगर मैं इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो अगर आपको सैक्रेट गेम्स और गैंग्स ऑफ वासेपुर लाइक जॉनर पसंद है तो समझ लीजिए ये उससे भी ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी में आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपका मजाक गिरा हो जाएगा। बस सारांश में कहना चाहूँ तो पापा एस्कोबार एक कोलंबियन ड्रग डीलर है, और एक दिन उसका सामना डीए एजेंट स्टीवन मर्फी से होता है, और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट, कोलंबियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, मतलब पाब्लो एस्कोबार के फेलियर से सक्सेस और सक्सेस के फेलियर तक का पूरा सफ़र दर्शाती हुई इस वेब सीरीज मुझे बहुत 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 परफेक्ट लगी। और आपको भी इसको एक बार तो ज़रूर देखना ही चाहिए, और इस वेब सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। सो बात यहाँ एक्टिंग परफॉर्मेंस की जाए तो पाब्लो एस्कोबार का रोल निभाने वाले वैगनर मोरा ने जो काम किया है, आपको एक टाइम पर स्क्रीन पर ऐसा लगेगा कि आप वैगनर मोरा ही पाब्लो एस्कोबार है। उनका जो कैरेक्टर है, एक वक्त पर हमें ऐसा लगेगा कोई इतना क्रूर भी कैसे हो सकता है, और एक वक्त पर हमें उन पर रहम भी आता है। वैसे एस्कोबार का पूरा कैरेक्टर ही कोलंबियन लैंग्वेज में है, बट उनके एक्सप्रेशन इतने पावरफुल है कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। सो यहाँ डीए एजेंट स्टीवन मर्फी का रोल निभाने वाले बर्ड हार्डॉक का कैरेक्टर भी काफ़ी पावरफुल है, और वो पाब्लो एस्कोबार को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हुए नज़र आते हैं। उनका कैरेक्टर तो अच्छा है ही, पर मुझे उनका नरेशन भी पूरी वेब सीरीज में काफ़ी बढ़िया लगा। और मतलब उनके पाब्लो एस्कोबार के साथ चेजिंग सिक्वेंस हो, या उनके को एम्प्लॉय के साथ की उनके रिलेशन, उनके वाइफ के साथ की उनके रिलेशन, वो स्क्रीन पर देखते हुए हमें काफ़ी अच्छा लगता है। सो यहाँ बाकी को एक्टर्स की बात की जाए तो सभी का कैरेक्टर्स काफ़ी परफेक्ट हैं, यानी वो एजेंट पेनिया हो, या फिर कोनी मर्फी हो, या फिर गस्तावो एस्कोबार हो, या टाटा एस्कोबार, सभी का कैरेक्टर्स काफ़ी बढ़िया है। मतलब इस वेब सीरीज में सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट ही इतना बढ़िया है कि आपको कोई भी कैरेक्टर एक्टिंग परफॉर्मेंस में निराश नहीं करता। सो अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल सीज़न 1 और सीज़न 2 को मिलाकर 20 एपिसोड है, और इन 20 एपिसोड को टोटल 60 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। सबके पर्सनली नाम नहीं ले सकता, नहीं लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस इतना कहना चाहूँगा कि इन सभी डायरेक्टर्स ने मुझे निराश नहीं किया, और डायरेक्शन इतना बढ़िया है कि आपको एक एक सीन बहुत ही रियल और नेचुरल लगता है। सो अगर इस वेब सीरीज में प्लस पॉइंट की बात करो तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका स्क्रीन प्ले इतना मज़ेदार है कि आप बेचैन हो जाओगे कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। और टोटल सीज़न 1 और सीज़न 2 को मिलाकर टोटल 20 एपिसोड, और 20 एपिसोड इतने एंगेजिंग है जो हमें बांधे रखते हैं। और दूसरा इसके परफॉर्मेंस इतने बढ़िया जो रियल लाइफ से काफ़ी रिलेट करते हैं, और इसका बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सो ओवरऑल एक मास्टरपीस वेब सीरीज है जिसे एक बार तो देखना ही चाहिए। सो ये थे मेरे ओपिनियन इस वेब सीरीज़ को लेकर। आपको इस वेब सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।